सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे बनाया जाता है, और क्या हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट, AI क्या होते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है, जिसका मेन काम ये होता है कि एक ऐसा इंटेलिजेंस मशीन बनाया जाए जो कि मनुष्य या आदमी जैसा ही बुद्धिमान हो, जिसे डिसीजन लेने की क्षमता खुद ही हो। साधारण भाषा में बोला जाए तो इनका दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि इंसानों जैसा सोच सकते हैं और एक काम कर सकते हैं। ये ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोडिंग, मोबाइल और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, AI का यूज हमारे जिंदगी में कहाँ कहाँ हो रहा है या हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, AI का यूज हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है कि कहाँ कर रहे हैं। जैसे हम लोग गूगल में किसी चीज को बोल के सर्च करते हैं तो उसका सर्च रिजल्ट हम लोग के सामने आ जाता है। तो ये सब कैसे होता है, ये सब AI के थ्रू होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। या एप्पल में सीरी होती है, वो भी एक AI ही है, वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। या अमेजोन की बात करें तो अमेजोन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है। जैसे हम लोग किसी शॉप में जाते हैं और उससे फिर हम लोग वापस आते हैं, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा या फिर आप लोग नोटिस कीजिएगा कि हम लोग किसी सोशल साइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को उसी चीज का एड दिखाता है जिस टाइप के शॉप में हम लोग गए थे। तो ये सारी चीजें कैसे डिटेक्ट हो जाते हैं, आपने कभी सोचा है? ये किसी आदमी की बस की बात है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो किसी कोई आदमी कंप्यूटर लेके ये सारी चीज डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं कि किसी कंप्यूटर या सिस्टम मशीन को दे देते हैं सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए, कि वो सारी चीजें डिटेक्ट कर सके। तीसरा पॉइंट, AI कैसे बनते हैं या डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जब हम लोग छोटे थे या कोई छोटा बच्चा होता है तो उनको हम लोग बताते हैं कि ये बॉल है, ये बुक है, ये पैसा है, ये पानी है या जो भी है, तो उनके मेमोरी में क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है, या हम लोग के भी मेमोरी में स्टोर है पहले से ही। कोई बताया हम लोग को भी कि ये बॉल है, ये पैसा है, पानी है, उसी प्रकार हम लोग एक रोबोट सिस्टम डिवाइस, कंप्यूटर या मशीन को ये सारी चीज बताते हैं। अब हम लोग बताते कैसे हैं, वो तो कहीं से पैदा हुए नहीं है, उसे तो हम ही लोग बना रहे हैं, तो हम लोग कैसे बताते हैं उन लोग को। तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन एक चिप में या AI के दिमाग में इसे बोल सकते हैं, इसी के अंदर स्टोर किया जाता है, और ये सारे इंस्ट्रक्शन उनके अंदर इंस्टॉल होता है, जिस प्रकार हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। चौथा पॉइंट, क्या हम लोग AI बना सकते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं। तो इसका जवाब है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है और उन पे आपका अच्छा कमांड है, उन पे एक अच्छा स्किल आप डेवलप कर चुके हैं, तो आप एक वर्चुअल AI बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट, AI क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, ये हमारे काम को बहुत ही ज्यादा आसान कर देते हैं, और इनसे कोई गलती ही नहीं होती है, क्योंकि यार ये मशीन एक है, इसीलिए इनसे कोई गलती नहीं हो सकता है। भले कोई एरर आए उसे हम ठीक कर सकते हैं उनमें, लेकिन ये गलती कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोडिंग, मोबाइल और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।